समय जो है बहुत तेजी से जा रहा है, बड़ी तेजी से। इसलिए हम सभी को समय की कदर करना सीखना चाहिए। समय की कदर यही है कि इसके द्वारा, इस शरीर के द्वारा हम भगवत भक्ति करें और अपनी शुद्धि करें। श्रील प्रभुपाद जी का शिक्षामृत, भुवनेश्वर, 31 जनवरी 1977। जिस साल प्रभुपाद धाम को गए थे उसी साल उन्होंने भुवनेश्वर में बात कही है। एक व्यक्ति को मेले में जाना था, कथा सुना रहे हैं प्रभुपाद, और इसलिए वह अच्छे वस्त्र पहनने लगा। उसे तैयार होने में इतना समय लगा कि नेता कि मेला ही समाप्त हो गया। तो यह विज्ञान, सब मूर्ख हैं। समस्याओं के समाधान का वायदा करते हैं किंतु कोई समाधान नहीं। आपको तुरंत पानी चाहिए, ठीक है, 3 करोड़ वर्ष में आपको पानी मिलेगा। यदि आप कृष्ण भक्ति करते हैं और हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो बारिश हो जाएगी और तब बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाएगी। वे इसे नहीं जानते और पानी का आयात कर रहे हैं। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि व्यक्ति का, एक व्यक्ति मेले में उसको जाना था और वो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन रहा था, तैयार हो रहा था। उसे तैयार होने में इतना समय लगा कि मेला ही समाप्त हो गया। तो ये बात प्रभुपाद विज्ञान साइंस के संदर्भ में कह रहे हैं। साइंस जो है, विज्ञान जो है, लोगों को मिसलीड कर रहा है, लोगों को गलत मार्ग की ओर ले जा रहा है। प्रभुपाद साइंटिस्टों को कह रहे हैं सब मूर्ख हैं, जितने भी साइंटिस्ट सब मूर्ख हैं। समस्याओं के समाधान का वायदा करते हैं किंतु कोई समाधान नहीं। वायदा तो कहते हैं ये समस्या का हल करेंगे, पर कोई समाधान किसी समस्या का नहीं है। आपको तुरंत पानी चाहिए, पानी पीना है, ठीक है, 3 करोड़ वर्ष में आपको पानी मिलेगा। यदि आप कृष्ण भक्ति करते हैं, पानी चाहिए, लेकिन 3 करोड़ साल के बाद पानी मिलेगा तो क्या लाभ उसका। अगर भक्ति करते हैं और हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो बारिश हो जाएगी और तब बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाएगी। वे इसे नहीं जानते और पानी का आयात कर रहे हैं। तो वैज्ञानिक इस बात को नहीं जानते, पानी को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां प्रभुपाद ने एक शब्द कहे कि हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं तो बारिश आ जाएगी, बारिश हो जाएगी। श्रील प्रभुपाद हैदराबाद में गए थे अपने भक्तों के साथ और हैदराबाद में कोई 6 साल से सूखा पड़ा हुआ था, बारिश नहीं थी। लोग बड़े परेशान थे, बिना बारिश के तो बड़ी परेशानी। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी हैदराबाद में गए अपने भक्तों के साथ, भक्तों ने खूब कीर्तन किया वहाँ पर, हुआ क्या, बारिश आ गई और समाचार पत्रों में हेडलाइन, हरे कृष्ण ब्राट रेन इन हैदराबाद।
हरे कृष्ण जो है हैदराबाद ने बारिश ले आए हैं। तो ये प्रत्यक्ष बात पुरानी बात है ये। तो देखो संसार में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन क्या जीवन का उद्देश्य है, क्या करना है, ये हमें पता नहीं है। इन विज्ञान ये जो वैज्ञानिक हैं, ये साइंटिस्ट जो हैं, इनको लोग फॉलो कर रहे हैं, इनका अनुसरण कर रहे हैं। एक साइंटिस्ट की बात भी सुनाते हैं प्रभुपाद। एक बार एक साइंटिस्ट, बहुत साइंस पढ़ी है उसने, उसकी इच्छा हुई हम समुद्र की सैर करें। तो समुद्र की सैर करने के लिए उसने एक नौका वाले को बुलाया। नौका वाले को जब बुलाया, उसको कहा भी देखो हम समुद्र की सैर करना चाहते हैं। कहते आओ साहब बैठो। नौका वाले ने उस साइंटिस्ट को नौका में बैठाया और वो समुद्र में ले गया। समुद्र देख रहा है साइंटिस्ट, तो देखते उसके मन में क्या आया, उसको अपनी विद्वता का बड़ा घमंड था, बड़ा अहंकार था। तो वो उस नौका चलाने वाले को पूछता है कि भाई तुम्हें कोई फिजिक्स का ज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये साइंस में पढ़ाई जाती है, और भी हैं बहुत कुछ, हमने भी थोड़ा बहुत साइंस हमारे भी उसमें थी, पर ज़्यादा नहीं साइंस पढ़ी। तो वो नौका चलाने वाला कहता है साहब मैं तो अनपढ़ हूँ और मैंने बचपन से नौका चलाना ही सीखा। तो वो कहता है उसको साइंटिस्ट, 25% तुम्हारा जीवन व्यर्थ में चला गया, तुम्हें को फिजिक्स का ज्ञान ही नहीं। 25% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट। नौका समुद्र में और आगे गई, चला रहा है चप्पू चला रहा है। तो साइंटिस्ट फिर उसको पूछता है तेरे को केमिस्ट्री का कोई ज्ञान है? कि साहब मैंने कहा आपको मैं अनपढ़ हूं, मुझे केमिस्ट्री का कोई ज्ञान नहीं। तो साइंटिस्ट कहता है 50% तेरा जीवन बेकार, 25% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट। नौका और आगे चली गई समुद्र के अंदर। अभी नौका थोड़ी नीचे ऊपर ज्यादा होने लगी, हिलोरे लगने लगी। वैसे तो समुद्र का पानी हिलता ही रहता है। वो पूछता है नाविक, हाँ साहब, ये क्या नौका नीचे ऊपर क्यों हो रही है ज्यादा, पहले इतने नहीं थी। नौका वाला खड़ा हुआ, उसने ऐसे दूर देखा, कहते साहब, कहते हाँ, समुद्र में दूर तूफान आ गया है। क्या फिर? कि साहब आप तैरना जानते हैं? कि तैरना तो नहीं मैं जानता। कहते साहब फिर 100% योर आपका जीवन बेकार, 100% ऑफ योर लाइफ इज वेस्ट। तो प्रभुपाद जो नौका चलाने वाला है उसकी तुलना की है एक भगत से। भक्त ने और कुछ पढ़ा नहीं, भक्ति की। साइंटिस्ट ने सब कुछ पढ़ लिया पर भक्ति नहीं की, जीवन बेकार। तो विज्ञान का समय है, लोग विज्ञान में मानते हैं, या जो देख सकें उस चीज़ में मानेंगे। अरे क्या देख सकते हैं, इनकी क्या देखने की शक्ति है, कुछ भी नहीं। वैज्ञानिक जो देख सकते हैं उसमें मानेंगे, भगवान को देख नहीं सकते तो नहीं मानेंगे। तो इनकी क्या शक्ति है कि वो भगवान को देख सकें? भगवान को, श्री कृष्ण को देखने के लिए
हमें योग्यता लानी पड़ेगी। एक भक्त प्रार्थना कर रहे हैं गुरुजी से, उसमें योग्यता शब्द आया है, तो बड़ा सुंदर भजन है। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो ए दासे त्रेना पेक्षा यतीना। गुरुदेव सकल सहने बल दिया कर, सकल सह निजा माने स्प्रहीना, निजा माने गुरुदेव सकल समान करिते शकति देहनाता यथा यथा। सकले समान करिते शकति देहनाता, तवे तो गाइवो हरि नाम सुखे, तवे तो गाय अपराधा है बेहाता, अपराधा गुरुदेव कबे न कृपा लबिया ये जाना, कबे है न कृपा लबिया ये जान, कृतार्थ है बेनाता, कृतार्थ है बे शक्ति बुद्धि हीना अमी अति दीना, शक्ति बुद्धि शक्ति बुद्धि हीना अमी अति दीना, शक्ति कर मोरे आत्मसाता, कर मोरे गुरुदेव योगिता विचारे किछु नहीं पाए तोमार करुणा सा, योगिता विचारे किछु नहीं पाए तोमार करुणा न हैले कांदिया कांदिया, करुणा करुणा न हैले कांदिया कांदिया, करुण प्राण न राखिबो प्राण न राखिबो गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, करो दासे त्रिनापेक्षा अति हीन गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव,
गुरुदेव 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 प्रभुपा तो भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य जो एक आत्मदर्शी आत्मा थे, भगवान से बातें करने वाले, उन्होंने अपने गुरुजी से प्रार्थना की है। ये साइंटिस्ट कहते हैं भगवान नहीं है, हम देख नहीं सकते, तो भगवान को देखने के लिए क्या गुण होने चाहिए इस भजन में बताए हैं। कृपा बिंदु पर गुरुदेव से जो भक्त हैं भगवान के, जो परंपरा में हैं, एक तो गुरु परंपरा में होना चाहिए, जैसे हमारे गुरु महाराज परंपरा में हैं, कुछ परंपरा के चित्र लगे हुए हैं, इनके गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद परंपरा में, उनके गुरु गौर किशोरदास बाबा जी परंपरा में हैं, उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर परंपरा में हैं, उनके गुरु जो हैं जगन्नाथ दास बाबा जी परंपरा में हैं, ऐसे ही परंपरा कृष्ण भगवान से चली आ रही है। तो गुरुदेव मुझे आप कृपा की बूंद दो, एक बूंद कृपा की दो इस अपने इस दास को, और तृण से भी अधिक विनम्र बना दो। देखो ये विनम्रता बहुत जरूरी है भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए। तो जो विनम्र है, जो भक्त है, वही विनम्रता दे सकता है। लेकिन आज ऐसे लोग घूम रहे हैं, खुद तो सब उल्टे सीधे काम, लोगों को विनम्रता दे रहे हैं, खुद अहंकार से भरे पड़े हैं, लोगों को विनम्रता दे रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, तो बड़ा बड़ा दोष आ गया समाज में। मुझ पर कृपा कीजिए गुरुदेव, मुझे विनम्र बना दीजिए, मैं विनम्र बनूं। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं। ये भौतिक जगत कठिनाइयों का जगत है, दुखों का घर है, लोगों को पता ना होने के कारण बस इसी जगत में, भौतिक जगत में बस सुखों की खोज कर रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर लेंगे या पढ़ लेंगे, मकान बना लेंगे, लेकिन इन चीज़ों से, भौतिक वस्तुओं से हमारा कल्याण नहीं है। हमारा कल्याण तो होगा जब हम गुरुदेव की कृपा से विनम्र बन जाएंगे और सारी कठिनाइयों को सह सकेंगे और अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से सुप्राहा सम्मान नहीं चाहिए। हम लोगों को बीमारी है, चर्म रोग है, क्या अज्ञानतावश हमने अपने आप को ये शरीर समझ रखा है और हम शरीर के मान सम्मान में पड़े रहते हैं। किसी ने अगर हमारी बेइज्जती कर दी तो बस अपमान हो गया मेरा, किसी ने सम्मान कर दिया तो बड़े खुश हो गए। देखो एक महाभागवत संत ये समझा रहे हैं, एक तो मैं कठिनाइयों को सह सकूं और दूसरा सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं,
सभी को सम्मान चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सभी ने अपने आप को शरीर समझ रखा है। स्त्री क्या, पुरुष क्या, बड़ा क्या, छोटा क्या, गोरा क्या, काला क्या, देहात्मक बुद्धि। भागवत में एक श्लोक आता है, देहात्मक बुद्धि कुलपेत्री धातु के, ये जो तीन धातुओं से शरीर बना है, कफ, पित्त और वात, ये भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में ज्ञान दे रहे हैं। जो अपने आप को कफ पित्त वात से बने हुए शरीर समझता है, देहात्मक बुद्धि कुनपे त्रि धातु के, सा एवाही गोखरा, वो गो मतलब गाय, खर मैंने गधा, वो गधा है या गाय है, ये अपने आप को शरीर समझता है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कहां से होती है? हम ये शरीर नहीं है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बिना कहे खाली जब हो तो भगवान का नाम लिया करो। ये दसम स्कंद 84वां अध्याय और 13वां श्लोक है। कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण के समय भगवान श्री कृष्ण प्रवचन देते हैं, समझा रहे हैं भगवान। यस्य आत्मबुद्धि कुनपे त्रिधातु के स्वधि कल्त्रादिषु भौम इज्यदि यत् तीर्थ बुद्धि सल्लेन करहचिज जनेषु अभिगेषु सा एव गोखरा। जो व्यक्ति कफ पित्त तथा वात यानी कि वायु से बने निष्क्रिय शरीर को, देखो ये याद रखो, ये शरीर निष्क्रिय है, निष्क्रिय कुछ नहीं कर सकता, तो फिर कैसे काम कर रहा है? आत्मा इसमें है, भगवान शरीर को निष्क्रिय कह रहे हैं। ये कार्य कैसे करते हैं? आत्मा शरीर को छोड़ देती है, शरीर बड़ा पड़ा वहीं पर, अभी कोई क्रिया नहीं, निष्क्रिय हो जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा, काट भी दोगे टुकड़े कर दोगे कुछ नहीं बोलेगा वो। तो हम सब इस निष्क्रिय शरीर को स्वयं मान बैठे हैं, स्वयं मैं ये शरीर हूं। हर एक प्राय परसेंटेज ये है कि कोई बहुत ज्यादा मानता है, कोई थोड़ा कम मानता होगा, थोड़ा उससे कम मानता होगा। तो ये जो रोग है अपने आप को शरीर मान लेना, ये नरक का द्वार है। जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है कि मेरी पत्नी और परिवार परमानेंट स्थायी रूप से मेरे हैं, ये कहाँ है, ये टेम्पररी है सब कुछ, लेकिन वो अज्ञानतावश ऐसा समझ रहा है। व्यवहार उसका ऐसा है कि वो अपनी पत्नी और बच्चे को सदा के लिए अपना समझ रहा है। जो मिट्टी की प्रतिमा का प्रतिमा या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल जल का स्थान मानता है, किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं देखता, उनसे कुछ अपनेपन का
अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता अथवा उनके दर्शन तक नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे से बेहतर नहीं है। तो बड़ी बीमारी शरीर को समझना अपने आप को, हम शरीर हैं ही नहीं। शरीर में 6 प्रधान परिवर्तन हैं, इसका जन्म होता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, एक जैसे लेटा है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। हम ये शरीर नहीं है, लेकिन हम अज्ञानतावश अपने आप को शरीर समझ रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। तो जैसे यहाँ पर कहा कि मैं सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। जिन्होंने अपने आप को आत्मा समझा उनका मान करो या अपमान करो। कोई जैसे मैंने आपको कहानी सुनाई थी महात्मा की, और वो एक गांव का व्यक्ति मुखिया जो था, मान लोग कर रहे हैं ठीक है, अपमान कर रहे हैं कोई बात, ऐसे संतों में देखे गए हैं ये गुण। मैंने थोड़ी सी एक बात आपको सुनाई थी, ये कथा उसमें आती है भक्तमाल में, गदाधर जी महाराज, ये आंध्र प्रदेश के थे, ब्राह्मण थे। तो इन्होंने बड़े लेखनी थी, बड़े सुंदर पद लिखे थे। तो हमारे परमाचार्य शिलाजीव गोस्वामी प्रभुपाद बहुत बड़े विद्वान हुए। बोलो शिलाजीव गोस्वामी प्रभुपाद की। शिलाजीव गोस्वामी प्रभुपाद ने वो पद पढ़े तो बड़े वो प्रभावित हुए, कहते इस व्यक्ति को बुलाओ यहाँ पर। ये आंध्र प्रदेश में थे, तो दो उन्होंने भक्त भेजे वृंदावन से उनको बुलाने के लिए। भक्त जब गए तो ये कुएं के ऊपर दातन कर रहे थे, गदाधर ठाकुर। दातन कर रहे थे तो उन्होंने पूछा, भाई गदाधर जी यहाँ कहाँ रहते हैं? उन्हीं को पूछने, उनको पता नहीं कि गदाधर यहीं है। बोले कि आप लोग कहाँ से आए? कहले हम वृंदावन से आए उनको मिलना। वृंदावन का नाम सुनकर ही वो मूर्छित होकर गिर पड़े नीचे, इतना भाव उनका जागृत हुआ। होश आने पर उनके साथ चल पड़े, गए नहीं घर, गए नहीं वृंदावन की ओर चल पड़े उसी हालत में। और ये भागवत कथा करते थे। आजकल क्या हो रहा है, भागवत को बेचा जा रहा है। कथा करवानी है जी, हम लेते हैं वो 12 लाख लेंगे 7 दिन की कथा का। किसी की फीस 35 लाख है, किसी की 70 लाख है कथा करवाने की, और कथा बेच रहे हैं, और ये बड़ा अपराध बताया है। लेकिन गदाधर ठाकुर कथा जब करते थे तो लोगों की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते थे। जैसे हमारे एक आचार्य थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, 6 गोस्वामियों में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हुए, वो भी भागवत के बड़े मर्मज्ञ थे। महाप्रभु उनसे कथा सुनते थे, और बस जब कथा करते थे उनकी आंखों के आंसू बंद नहीं होते थे, इतना भाव उनमें था। तो एक भागवत को बेचना बहुत बड़ा अपराध है, कथा करके पैसे लेना। हमारे आचार्यों ने तो बहुत दोष बताया है, लेकिन कलयुग में ये सब उल्टा सीधा हो रहा है। तो गदाधर भट्ट जो थे, निष्काम सेवा थी इनकी,
कथा कर रहे थे तो कितने ये उच्च कोटि के वैष्णव थे। एक बात ये भी याद रखो, सबसे पुरातन धर्म वैष्णव धर्म है, भगवान विष्णु के समय का। विष्णु भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, बस जो लोग यहाँ आएंगे, क्यों आए यहाँ, क्या करना है उनको, क्या उनके जीवन का उद्देश्य है, उनके मार्गदर्शन के लिए धर्म ग्रंथ लिखे गए। और भगवान के द्वारा धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान भगवान के अवतारों ने, जैसे गीता भगवान ने गायन की स्वयं, भगवान के अवतार व्यासदेव ने भागवत लिखा, 18 पुराण लिखे, 6 तमोगुणियों के लिए, 6 रजोगुणियों के लिए, 6 सतोगुणियों के लिए, पर उनमें सबसे श्रेष्ठ भागवत। तो वही कथा गदाधर ठाकुर करते थे। जब वो कथा करते इतने भावुक हो जाते कि बस आंखों से आंसू नहीं उनके रुकते थे, सब लोग रोते थे उनकी कथा में। भाव जागृत करना बड़ा जरूरी है, भाव ही नहीं है हमें। भावो विद्यति देवा, भाव से भगवान मिलते हैं। तो ये पहले भी मैंने बात बताई थी थोड़ी सी, फिर मैं बता रहा हूं इसको, क्यों कुछ सीखना हमने यहां से। एक हरि सिंह के नाम के व्यक्ति, उनकी कथा सुनते थे, तो बड़े भावुक हो जाते हो गए वो भी। तो देखो, जो संसारी लोग हैं वो मोह माया में, विषय विकारों में पड़े हुए हैं। तो हरि सिंह जी का विषय विकारों से मन हट गया, और उनकी पत्नी बेचारी बड़ी पहुंची हुई थी, पहुंची मतलब वो विषय कीट थी वो औरत। उसने देखा कि मेरा पति अभी ऐसे कोई मेरे साथ बात ही नहीं करता, ये कथा का प्रभाव है, जो गदाधर कथा कर रहे हैं उसका प्रभाव है। उसने एक मांगने वाली जो गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था, पुरानी बात है, कहा इधर आओ, कह ये लो 20 रुपये, 20 रुपये बहुत होते थे उस समय, आज 2000 की कोई कीमत नहीं है। सामान कितने जाओ तो 3000 रुपया लग जाएगा, 4000 रुपया लग जाएगा, पहले पैसे की बड़ी कदर थी। तो तुम जाओ, और वृंदावन में कथा हो रही है, और तुम जाकर वहाँ कहना महाराज मेरा कुछ प्रबंध करो, अभी आपकी कृपा से मैं इस परिस्थिति में हूँ। उसने बोला, जब ऐसा झूठ बोल रही है वो, उसकी पत्नी ने उसको भेजा है, सब लोग बेचारे अवाक, भाई ये कैसे हो रहा है, किसी को विश्वास नहीं। लेकिन गदाधर जी कहते हैं, जो पहुंचे हुए वैष्णव, जो शरीर के स्तर से ऊपर हैं, वो कहते हैं, हाँ तुम कहाँ थे, मैं तेरा ही तो चिंतन करता था। और सब लोग जो है परेशान हो गए। एक महात्मा थे, उन्होंने सौरत को कहा, एक तरफ ले गए, सच बता दूं, झूठ बोलेगी तेरे को मार देंगे लोग, सच बोल। वो घबरा गई, मांगने वाली थी वो, उसने कहा कि यहाँ हरि सिंह कथा सुनता है, उसकी पत्नी ने मेरे को 20 रुपये दिए हैं। तो भक्त लोग जो हैं इतने शरीर के स्तर से ऊपर उठे हुए हैं, को बिल्कुल शरीर अपने आप को समझते नहीं, उनको अपमान करे, सम्मान करे अपने, और इतने उनमें गुण होते हैं भक्तों में, और भक्ति ही प्रभुपाद जी ने दी है, ये भक्ति की बड़ी आवश्यकता थी, लुप्त तो हो रही थी भक्ति। तो एक महंतमा कथा सुनने आते थे, तो उन्होंने देखा कि कथा में सब लोग रो रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। दूसरे दिन जब वो कथा सुनने आए, तो साथ में कोई मिर्चियाँ ले आए, वो पीसी हुई मिर्ची। जब सब लोग रोने लगे, उन्होंने आंखों में मिर्ची लगा ली, उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे।
लोग कहने लगे उनको कि देखो ये क्या कर रहा है, नकली आंसू बहा रहा है। गदादार जी को जब पता लगा तो उन्होंने बोला कि आप महान हैं, आपके हृदय में कितनी इच्छा है कि आप भी कथा सुन के आपके आंसू बहें और आप ये मिर्ची का पियो, उनको गले लगा लिया। इतना भाव मतलब गदादार जी में था। तो भक्त ही सारे दोषों से ऊपर उठ सकते हैं और हमें भक्त बनना है। निजा माने स्प्रहाहीना, हमें मान सम्मान से ऊपर उठना है। लेकिन ये बीमारी हमको इतनी है, किसने कुछ थोड़ा कह दिया बस उसी से लड़ना झगड़ना शुरू हो गए। कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे को जान से मार देते हैं, मेरा अपमान किया, मेरे को ऐसा कह दिया, ये ठीक नहीं। इन चीजों का ध्यान करो। और एक आत्मा ने देखी कि मैं, वो आत्मा कहती है मैं दुश्मन बनाने में बड़े निपुण हूं, दुश्मन बना लेती हूं मैं। मैंने कही तुम्हारी आदत अच्छी नहीं है दुश्मन बनाना। कहते पहले थी अभी नहीं है, स्वीकार नहीं करना अपनी गलती। पहले ये आदत थी मेरे में अब नहीं है, लेकिन अभी भी है दुश्मन बनाने की, लोगों से झगड़ा करना और दुश्मन बना देने, ये अच्छी बात नहीं। देखो सभी हम कर्मों के मारे हुए जीव हैं, जो भक्ति कर रहे हैं उन्होंने सब, उनको सब में भगवान का रूप देखना चाहिए। ये हम में भावना तो है नहीं लेकिन उसको लाना है। और एक बड़ी बात आगे कह रहे हैं अपना भक्ति विनोद ठाकुर, सकले सम्मान करीते शक्ति, सभी का सम्मान करने की शक्ति मेरे में दो। भक्तमाल में बड़ी बड़ी सुंदर कथाएं आती हैं। एक राजा थे, वो सभी में सभी भेष का सम्मान करते थे। एक बार ठग उनके वहां आ गए, ठग आ गए तो राजा के जो गुरु थे उनके हाथ पांव नहीं थे, वो जयदेव गोस्वामी थे। बड़ी लंबी कथा है, मैं यह मतलब भावना बता रहा हूँ आपको, दुष्टों की भावना कैसी होती है और संतों की कैसी होती है। जयदेव गोस्वामी के हाथ पांव इन्हीं दुष्टों ने काटे थे और उनको कुएं में फेंक दिया था। लेकिन राजा शिकार खेलने गया था तो कुएं में राजा ने देख लिया, उनको निकलवाया बाहर, हाथ पांव नहीं है, उस हालत में भगवान का सेवन कर रहे हैं, चेहरे पर रौनक है। राजा बड़ा प्रभावित हुआ, उनको अपना गुरु बना लिया। गुरु बना लिया तो एक दिन वो ठग जो हैं उनको पता लगा कि भाई राजा जो है भेष का सम्मान करता है ऐसे। अब साधु बनना क्या, तिलक लगाया, सर मंडवाया, चोटी रख ली, साधु बन के। लंबे बालों वाले भी होते हैं साधु, लेकिन ये भी साधुओं का ही भेष है। तो आए जब राजा के वहाँ पर तो देखा आगे वो जयदेव जी बैठे हुए हैं वहाँ पर बिना हाथ पांव के, तो वो अवाक कि भाई ये यहाँ कैसे पहुँच गया, हमने तो मार दिया था इसको, हाथ पांव काट दिए थे, लेकिन यहाँ कैसे पहुँचा। देखो कहा है राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, जिसकी रक्षा कृष्ण करें उसे कौन मार सकता है, और जिसे कृष्ण मारे उसे कौन बचा सकता है। तो राजा ने क्या, उन जयदेव जी ने क्या किया, राजा को बुलाया, कहते ये छह मेरे मित्र हैं,
ये छह मेरे मित्र हैं और इनका ध्यान रखिए आप। राजा ने बोला, मेरे गुरु के मित्र। और देखो जो दूषित लोग हैं, जो शरीर के स्तर पर हैं, जो भक्त नहीं हैं, वो बुराई को नहीं छोड़ सकते। केवल भक्त ही बुराई को छोड़ सकते हैं। देखो ठग्गों ने जिन्होंने ये हालत की उनकी, रास्ते में खैर वो बड़ी लंबी बात होती है, तो उनको कहते हैं ये मेरे मित्र। राज ने खूब दंड दिया उनको, कहते हैं मेरे गुरु के मित्र हैं आप। और आप बोला कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं। तो अपने आदमी साथ भेज दिए सिपाही कि इनको छोड़ के, और रास्ते में कोई लूटे नहीं इनको। सिपाही जब छोड़ने गए तो रास्ते में सिपाहियों ने पूछा चार ठगों को कि ये हमारे गुरुजी ने कि आप मित्र हैं हमारे राजा के, गुरुजी क्या मित्र हैं? कहते भाई तो आप कब से जानते हैं हमारे राजा के गुरु को? था कहते भाई तूने, आप लोगों ने पूछा हमको, अभी हमें बताना पड़ेगा आपको। तो वो ठग क्या कहते हैं, असल में ये जो राजा का गुरु है ना, ये और हम इकट्ठे एक जगह काम करते थे। इन्होंने कोई अपराध किया तो राजा ने हमको कहा, कोई और दूसरा राजा, छोटे छोटे राजे बहुत होते थे, तो उसने कहा भाई इनको मार दो। हमने मारा नहीं, इनके हाथ मुंह काट दिए। सच बोल दिया उन्होंने, हाथ वो सब झूठा बता रहे हैं। और ये तो बड़ा ही एक मतलब उल्टे सीधे शब्द जयदेव गोस्वामी को कहे उन्होंने, जो बड़े ही पहुंचे हुए वैष्णव थे। जब ऐसा कहा तो भगवान से सहन नहीं हुआ। देखो वो उनका कोई ना बुरा कर रहे हैं, बदले में उनको धन दिला दिया राजा से, अपने शिष्य से। कहते हैं क्या हुआ, धरती फटी और चारों ठग उसमें घुस गए और धरती बंद हो गई। राजा के सिपाही वापस आकर उन्हें बताया कि महाराज ऐसे ऐसे। राजा ने आके पूछा महाराज कौन थे, जाने दो बताइए। उन्होंने बताया कि भाई इन्होंने मेरे ये हाथ पांव काटे थे। जयदेव गोस्वामी जी के फिर कृष्ण कृपा से हाथ पांव वापस आ गए। तो जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे ना, जब तक शरीर के स्तर पर रहेंगे तो हम उल्टे सीधे काम करते रहेंगे। अभी क्यों बुराइयाँ फैल नहीं आए संसार में, भारत में लोग भगवान से दूर जा रहे हैं, भगवान से विमुख हो रहे हैं। जो भक्त होंगे, सच्चे भक्त होंगे, कभी भी बुराई नहीं करेंगे, वो बुरे कभी बुरा नहीं सोचेंगे, जैसे जयदेव गोस्वामी महाराज। तो बोला कि मुझे सम्मान नहीं मैं किसी से चाहूँ, निजा माने स्प्रहा ही ना, तथा अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊं। हम सभी सम्मान चाहते हैं, थोड़ा सा अपमान हो जाए क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल दिया मेरे को ऐसे, ये सब शरीर का स्तर है। लेकिन अगर हम हृदय से भक्ति करेंगे ना तो जरूर शरीर के स्तर से ऊपर उठ सकते हैं। आगे कहा है मुझे सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दे। सबका सम्मान करना है तो सबका सम्मान करने से क्या होगा, तभी तो गायब हो हरि नाम सुखे, तभी तो मैं सुखपूर्वक हरि नाम का गा पाऊंगा। अभी हम नाम लेते हैं, अच्छे पत्रा नहीं ले पाते। जब सबका सम्मान करेंगे तो नाम अच्छी तरह से ले पाएंगे। अगर दुश्मन बनाएंगे हम तो हम नाम नहीं ले सकते, नाम नहीं जप सकते अच्छी तरह से। जपेंगे पर कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि मेरे शत्रु हैं, मेरे मित्र हैं नहीं, भक्त के लिए सभी मित्र हैं, कोई शत्रु नहीं, शत्रु भी शत्रु नहीं। कहते हैं मैं तभी अच्छी तरह से नाम गा पाऊंगा तथा मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। जब अच्छी तरह से हम नाम गाएंगे ना तो अपराध हमसे होते हैं और अपराध समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे।
और देखो जब तक अपराध होता है ना तब तक भक्ति वृद्धि नहीं होती, हम भक्ति पथ में आगे नहीं बढ़ते। अभी देखो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, केजी से नर्सरी में आता है, पास होकर फिर प्राइमरी में आता है, फिर सेकेंडरी में, फिर कॉलेज में प्रगति हो रही है। इसी प्रकार भक्ति में भी प्रगति होती है। अगर हम किसी का अपमान कर रहे हैं, चाहे उसने गलती की या बड़ी, देखो कितनी बड़ी गलती, जयदेव गोस्वामी से हम सीखना है, और ठग बदमाश जो हैं जयदेव गोस्वामी ने देखकर, वो चाहते तो राजा को कहते कि इन्होंने मेरे हाथ पांव काटे हैं, राजा उसी टाइम फांसी में चढ़ा देता उनको, लेकिन उनका भी सम्मान किया। लेकिन वो अपना पाप नहीं छोड़ सके, उनके उल्टे सीधे शब्द कहे, भगवान से सहन नहीं हुआ, धरती फटी, चारों धरती में धस गए। तो भक्त जो हैं वही गुणवान हैं, वही गुणों से भरे पड़े हैं। हमारे गुरुजी ऐसे ही थे, मुझे इनको देखने का बड़े नज़दीक से मौका मिला। ये बड़े विनम्र थे, बहुत विनम्र था। हम सब ने कष्ट ही दिया इनको, क्या दिया, गोरी लोगों को क्या पता था कैसे एक महात्मा से हमने अपना डील करना है, कैसे उनसे हमने बातचीत की, पता ही नहीं था। लेकिन ये बेचारे बड़ा बड़े सहनशील थे। फिर कहा है, हे नाथ, यह दीन जन कब आपकी ऐसी अहितुकी कृपा प्राप्त कर कृतार्थ होगा। आप मुझ पर गुरुदेव से प्रार्थना है, आप मैं कब कृतार्थ होऊंगा, ये कृपा मिलेगी और मैं विनम्र बन जाऊंगा और अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो जाऊंगा। फिर क्या कह रही है, यद्यपि मैं शक्तिहीन हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं, बुद्धिहीन हूँ, अकल भी नहीं है, तथा अत्यंत दीन हूँ, बड़ा पतित हूँ मैं, फिर भी आप कृपा पूर्वक मुझे आत्मसात अंगीकार कर लीजिए। ये गुण हैं भगवान को देखने के लिए, ये एक गुणवान गुरु से ही ये गुण मिल सकते हैं, सबसे नहीं। कहते हैं मैं हर प्रकार से दीनहीन हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लेना कृपा करके। और सच्चे संत ऐसे ही होते हैं, कर लेते हैं। हे नाथ, योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा सब इससे रहित पाता हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है। हम जो अपने आप को बड़ा योग्य समझते हैं, ये अहंकार बोलता है, हमारा अहंकार है मेरे में, वो ठीक नहीं। इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है, मेरे में कोई योग्यता है नहीं, आप करुणा करेंगे तो मेरे में योग्यता आ जाएगी। यदि आपकी अहित की कृपा, अहित की करुणा ना हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। इतना समर्पण गुरु के प्रति, अगर नहीं हुई कृपा गुरुदेव, मेरे में तो कोई योग्यता है नहीं, तो मैं शरीर ही छोड़ दूंगा। ऐसे ही लोग भगवान को देख सकते हैं, ऐसे ही लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और याद रखो, भगवत प्राप्ति किए बिना और कोई निस्तार नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, करनी पड़ेगी। अच्छा है इसी जन्म में कर लो, नहीं तो पता नहीं कितने करोड़ों जन्म लग जाएंगे, फिर कैसा जन्म मिलेगा अगली बार पता नहीं। जैसे माँ बाप इस जन्म में मिले ऐसे मिलेंगे, या पशु पक्षी के भी तो माँ बाप होते हैं, वो वैसे मिलेंगे, कोई पता नहीं। तो हम लोगों को भक्ति करके सद्गुण लाने हैं। ये वैज्ञानिक जो हैं, इन्हें कोई अकल नहीं, शरीर के स्तर पर हैं ये। अभी जैसे एक विज्ञान कौन था, एल्बर्ट आइंस्टाइन, कौन सा था वो, आइंस्टाइन था, उसने एटम बम बनाया। प्रोफेसर कहते हैं लोग तो आगे मर रहे हैं, तूने बना दिए, ज़्यादा तेजी से मरे तो क्या खूबी तेरे कर दी, लोगों को बचा सके कि तू तो कोई ऐसी चीज़ बनाओ, एटम बम बना दिया उसने, जहाँ पर एटम बम पड़े तो सर्वनाश, बुरी हालत हो जाती है। और हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने एटम बम फेंके थे, आज तक कुछ नहीं होता उस भूमि में, मरुभूमि, सब मर गए, सब खत्म हो गए।
तो वही प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं। और हम लोगों को गुणों को अर्जित करना है, अपराधों से मुक्त होना है। ये जो भजन है बड़ा ही सुंदर भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का, और इसको जीवन में धारण करना चाहिए। मेरे में कोई योग्यता नहीं, अगर हम कहते हैं मेरे में योग्यता है, ये अहंकार बोलता है। क्या योग्यता में, मेरे को ये पता नहीं मेरा शरीर कैसे काम कर रहा है। मैं जब छोटा बच्चा था सफ़ेद दूध पिया, लाल खून कैसे बना मुझे पता ही नहीं, किसी को नहीं पता। बातें लोग बड़ी करते हैं, तो मूर्खतापूर्ण बातें नरक का द्वार हैं। और भक्ति जो है यही सार है, भक्ति भगवान से मिलाने वाली है। भक्ति करने से, और भक्ति कैसी, निष्काम, कोई कामना नहीं, निष्काम भक्ति से ही हमारा कल्याण है। तो प्रभुपाद कृपा से इन शब्दों के बारे में मैंने बोला बताया आपको कि भक्ति करने से, प्रभुपाद कह रहे हैं हरे कृष्ण कीर्तन करने से बारिश हो जाएगी, हुआ है ये प्रभुपाद की कृपा, और तब बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाएगी। जो लोग बेकार हैं किसी काम के नहीं, कृष्ण का नाम लेने से वो भी अच्छे बन जाते हैं। जैसे रत्नाकर डाकू था, बहुत बड़ा डाकू था, बड़ा दुष्ट था, लेकिन नारद जी के पास वो भक्त बना, सब ठीक हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, इतना महान भक्त बना कि वो फिर उन्होंने रामायण लिखी। रत्नाकर ही वाल्मीकि हुए, नाम लेते लेते उनका शरीर दीमक ने खा लिया, तब नारद जी ने उनको नाम वाल्मीकि ऋषि दिया। और वाल्मीकि इतने महान हो गए कि रामावतार से पहले ही रामायण लिख दी उन्होंने। इसलिए विनम्र बनना है, भक्ति करनी है, इन बातों को जो वैष्णवों के द्वारा दी गई हैं, जो भगवान के द्वारा दी गई हैं, उनको जीवन में धारण करना है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश समस्त देश तारणे। हरे कृष्ण। प्रश्न किसी को इंटरनेट में, यहाँ पर आप में किसी को कोई प्रश्न नहीं है? वर्षा माता सूरत से, हरे कृष्ण, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे न जाने कौन से पुण्य कर्मों से हमें इतने अच्छे शिक्षा गुरु पद्मावती माता और शीतल माता जी के साथ मिला। शुद्ध भक्तों के साथ ही हमने शुद्ध गुरु मिले। आप जैसे गुरु का साथ पाना परम सौभाग्य की बात है। आप अपना आशीर्वाद सदा हमारे परिवार पर बनाए रखना। आप हमारे परम पिता हैं, आप अपनी कृपा और करुणा हम सब पर बनाए रखना। गुरुदेव, कुछ गलती हो तो मुझे आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना। आज मेरी पुत्री का जन्मदिन है, आप कृपया उसे अपना आशीर्वाद दें। वर्षा माता, तुम्हारा धन्यवाद। तेरी बेटी का जन्मदिन है,
मेरी शुभकामनाएं उसके साथ हैं। बेटी में भी संस्कार दो, बेटी को भी भक्ति में लगाओ। हम हिंदू लोग अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते, बाकी लोग देते हैं, पर उनके पास सनातन धर्म नहीं है। सनातन केवल हिंदुओं के पास है, बाकी मत मतांतर हैं कलयुग के, उनमें लगाते हैं उनको, जिनमें उल्टी सीधी बातें पढ़ाई जाती हैं। तो हिंदू हम लोग संस्कार नहीं देते, बेटी को तुम अच्छे संस्कार दो, उसको ही भक्ति में लगाओ, बच्चों को संस्कार दो और उनको भक्ति में लगाओ, ताकि उनका भी भविष्य उज्ज्वल हो। धन्यवाद वर्षा माता। हरे कृष्ण। नचिकेता प्रभु कनाडा से, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम महाराज जी अंटू योर सुपर मोस्ट मर्सीफुल लोटस फीट। अनुकूल भजन क्या होता है? हैं? अनुकूल भजन क्या होता है और ये कैसे होगा? अनुकूल भजन, मैंने बोला अनुकूल भजन के बारे में कुछ अभी? भजन में आया है कौन से? अनुकूल भजन जो है, एक तो लोग भजन करते हैं, भाव कुछ नहीं उनका, और ऐसे ही गा रहे हैं, प्रोफेशनली गा रहे हैं, कोई पैसे के लिए गा रहे हैं या कुछ और। अनुकूल भजन जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। और जो हमारे वैष्णवाचार्य हुए, इन सब के भजन बड़े दिव्य हैं। और भगवान गौर हरि ने भी जो है वो भजन गाए, उन्होंने भी बड़ा मतलब प्रचार किया सनातन धर्म का। तो गौर हरि का जो है वह भी चिंतन और उनके जो अनुयायियों के द्वारा भजन लिखे गए हैं वह अनुकूल भजन है, नहीं तो प्रतिकूल। कई भजन हैं पर प्रतिकूल हैं, वो उनके लेखक भी कोई प्रोफेशनल होंगे, पैसे के लिए लिखे हैं, वो अनुकूल नहीं होंगे। चौबीस तारीख का लक्ष्य है उसके पास, क्या कहा था हमने उसमें? वही मैंने कहा अभी, 24 तारीख का लेक्चर जो है नचिकेता, डिटेल में तुम उसको देख लो, सुन लो, तुम्हें पता लग जाएगा। विधि शर्मा माता उधमपुर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज। विधि शर्मा कहाँ से? उधमपुर से। मेरे प्यारे गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, आप हमें समझाते हैं कि विनम्र बनना सीखो, पर मुझे कुछ दिनों से बहुत गुस्सा आ रहा है और मैं अपने गुस्से पर काबू भी नहीं कर पा रही, और किसी ना किसी पर गुस्सा निकल जाता है या मुझे ही नुकसान होता है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ गुरुदेव, कृपया मुझ पतित पर अपनी कृपा बनाएं और इस क्रोध को हमेशा के लिए ख़त्म करने का उपाय बताएं। विधि माता, क्रोध क्यों आता है हमको? अंग्रेजी में कहा है, when expectation is not fulfilled, it turns into frustration। हम दूसरों से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं। मान लो तुमने किसी से अच्छी उम्मीद, अच्छी बात की उम्मीद की, पर उसकी मानसिकता उल्टी है, वो नहीं करता, तुम्हें क्रोध आ जाएगा। एक तो भक्ति की जब वृद्धि होगी, भक्ति वृद्धि से भी क्रोध कम होगा। और एक्सपेक्टेशन जो है, ये बीमारी जनरली सबको है, किसी को बहुत ज़्यादा है, किसी को कम है, पर है सबको ये बीमारी। तो किसी से एक्सपेक्ट नहीं कुछ भी करना, किसी से उम्मीद किसी से कुछ नहीं करनी। उम्मीद करनी, एक्सपेक्ट करना तो भगवान से ही करना, बस। ज़रूर तुम कुछ सोचते होगे दूसरों के बारे में कि वे ऐसा करना चाहिए, ऐसा क्यों है, तेरे सोचने से थोड़ा वो वैसा करेंगे।
वो तो अपने ढंग से करेंगे, चाहे कोई भी है। अभी जैसे प्रहलाद महाराज थे, तो प्रहलाद महाराज ने, प्रहलाद महाराज का बाप जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरा बेटा जो है ये राक्षस वृत्ति का हो, ये तो भक्त बन गया। वो एक्सपेक्ट कर रहा है अपने बेटे से हिरण्यकश्यपु, और उसने क्या किया, आदेश दे दिया कि मेरे इसको बेटे को मार दो, ये तो मेरे शत्रु का भक्त बन गया है। लेकिन प्रहलाद महाराज इतने विनम्र, उनका पूरा भरोसा भगवान के चरणों में था, और उन्होंने कभी भी उनको इतने कष्ट दिए, भगवान आके उनको बचाते रहे। तो भक्ति में आगे जब बढ़ेगी तुम विधि माता, तब भी तुम्हें समझ बढ़ जाएगी। पर अभी भक्ति वृद्धि नहीं है, नए नए हो, तो ये अभी ये ध्यान रखो, किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी, किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। हरे कृष्णा। हरि गोपाल जी दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु जी, महाराज दंडवत प्रणाम। मैं आपका तुच्छ सेवक आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर हमने लड्डू गोपाल जी के साथ कोई रिश्ता रखा है, तो क्या उस रिश्ते के तहत हम उन्हें भोग अपने हाथों से खिला सकते हैं? भगवान के आगे तुम रख सकते हो, अभी वो स्टेज नहीं तेरी आएगी। जैसे यशोदा मैया अपने हाथ से खिलाती थी गोपाल जी को, रखना भगवान के आगे ही रख सकते हैं। और भावना अगर तुम्हारी शुद्ध होगी तो भगवान देखकर ही वो स्वीकार कर लेते हैं। भगवान आँखों से भी खा सकते हैं, खा करके फिर वैसे के वैसे तुम्हारे लिए भी छोड़ सकते हैं। हाथों से खिलाने का कैसे कर सकते हो तुम, अभी टाइम लगेगा उसमें, अभी नहीं। हरिसुता प्रभु सूरत से। हरे कृष्ण, गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है कि गुरुदेव को लंबी आयु और अच्छा स्वस्थ प्रदान करें। कल रात 1 बजे स्वप्न में एक व्यक्ति आए, उन्होंने मुझसे पूछा, तेरे गुरु का नाम क्या है? मैंने गुरुदेव का नाम बताया, परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी जी। तो उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक जगत में उनका बड़ा नाम है, और मेरी नींद खुल गई। गुरुदेव आपकी कृपा पर पूर्णतः आश्रित आपका सबसे पतित शिष्य हरिसुता दास। आपका पीछे आखिरी शब्द समझ नहीं आया मेरे को। तो हरिसुता जी, धन्यवाद, भगवान की कृपा है कि अच्छा स्वप्न आपको आया, और जिन्होंने पूछा उनको भी अच्छा लगा। आप अपनी भक्ति को बढ़ाओ। विषय विकारों को घिटाओ, भक्ति में वृद्धि करो, ताकि जन्म सफलता की पथ पे आगे बढ़े। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अंजना माता और रामविलास प्रभु उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज हमारी शादी की सालगिरह है, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं ताकि हम दोनों पति पत्नी की भक्ति बढ़े, जप बढ़े। आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना गुरु महाराज। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ में हैं हमारी सालगिरह पर। जप करो, कितनी माला जपते हो, 4 नियमों का पालन करो अच्छी तरह से, और भक्ति पथ में आगे बढ़ो हमारी शुभकामनाओं के साथ। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम। आपने कहा कि किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हैं, किन से? कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। किसी से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, तो क्या हम बच्चों से और अपनी पत्नी से भक्ति की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं? उनको भक्ति में लगाना है, अभी
उम्मीद, ये खुद ही ऑटोमेटिक भक्ति थोड़ी आएगी उनमें, उनको भक्ति के बारे में बताना है, उनमें लगाना है, उनका मार्गदर्शन। आप बच्चों के पिता हैं, पति के, पत्नी के पति हैं, तो उनको भक्ति का मार्गदर्शन करना है। और फिर उम्मीद क्या लगाना है उनको, और उम्मीद फिर धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी उनको, आप देख सकते हैं कि वो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। हरे कृष्णा। चंडीगढ़ से श्रीमान अर्जुन जी ने भगवान के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कनाडा से आकुति माता के सुपुत्र शिव मोहन जी का आज जन्मदिवस है, तो उन्होंने कहा है कि गुरु महाराज उसको आशीर्वाद दें। शिव मोहन को, शिव मोहन तेरा आज जन्मदिन है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि वो तेरे को भक्ति का आशीर्वाद दें। मेरी भी यही शुभकामना है कि तुम भक्ति पथ में आगे बढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। शिव मोहन, हरे कृष्णा। सायंकाल का प्रसाद के लिए भी आयोजन किया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरदोई से अंजना नंदन जी के सुपुत्र वंश, जो कि गुरुकुल का छात्र है, आज उसका जन्म दिवस है, तो उन्होंने सुबेरे के प्रसादम का आयोजन किया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है, मैं तुलसी